सस्पेंस क्यों रोक रहे, दिखाएं तो सही, दिखाएं तो सही, सबर तो कर जाओ, दिखा रहा हूँ। बिल्ली निकलेगी, चूल्हा जला लिया, अब ये है कि जैसे जैसे इस हादसा पकते जाएंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन का आगाज हो चुका और एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आज का दिन थोड़ा मेरे लिए सुस्त है, पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती आ रही है। सोकर उठी हूँ बट नींद नहीं पूरी हुई, तो ये तो मेरे साथ रहता ही है। हर दूसरे दिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरी जो है ना नींद दिन ब दिन कम से कम होती जा रही है। हो सकता है कि कोई रीज़न हो, पर खैर जो भी है हो रहा है। अभी ये रेडी शेडी हो रहे हैं, जा रहे हैं ऑफिस, और इस बच्चे का एक ही काम है फ़ोन यूज़ करना, मना करने के बावजूद भी अब इसका मैं करती हूँ बंदोबस्त। इसे मैं स्कूल ट्यूशन का करती हूँ ताकि ये वहाँ जाएँ और ये मसले मसाइल ख़त्म हो फ़ोन वाले। और यहाँ पर ये भांडे शांडे मैंने रज के मांझने हैं, उसके बाद यहाँ आ जाऊँगी तो यहाँ पर बैंगन शेंगन बनेंगे इनकी फरमाइश पर। पहले तो बैंगन कभी खाते नहीं थे, अब हर तुम बनाती है स्टाइल सो ना, हाय अब मज़े ही लगते हैं। अच्छा, और इसको यहाँ पर रख के जलाना है। जलाना नहीं है, पकाना है, जलाना है, जलाना है, यहाँ पे रख के जलाना है। अबे भाई जलाना, चूल्हा जलाना है, चूल्हा जलाना है, ये बोलो ना, चूल्हा जलाना है। बैंगन जला रही हूँ, बैंगन को भी जलाऊंगी क्योंकि मेरा खुद का दिल बहुत जला हुआ है। आप पूछो क्यों? क्यों मुझे ना जोड़ों की कमी महसूस हो रही है, कपड़े लेने का दिल कर रहा है बहुत जोर से। हंस क्यों रहे हो? क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? दिल है, दिल का तो कुछ भी करने को करता है। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, दिल का क्या करें साहिब, ये तो कुछ भी कह देता है। कितने जोड़ों की तलब हो रही है? एक से दो फिलहाल इस महीने। फिलहाल इस महीने एक से दो कपड़े? हाँ, क्या बोलो। और जो अभी दो लेके रखे मैं, वो कब पहनूंगी? जब आप मुझे बाय डिनर पे लेके जाओगे। हाँ, जोड़ा पहन बनाता है ना इंसान, तो फिर उसको पहन के कहीं जाने के लिए कोई जगह, कोई इवेंट भी तो होना चाहिए ना। क्या मतलब है, घूर क्यों रहे है? कुछ नहीं, ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़। तकरीबन एक बज रहा है और मेरी हंसी में सारी बातें हैं राबिया। हाँ, हंसी में सारी बातें हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। अच्छा, मैं मूंगफली तो देते जाइएगा जो चार दिन से आपके पॉकेट में रह जाती है। बाइक के पॉकेट में मूंगफली लेकर आते मेरे लिए और वो बाइक के पॉकेट में रह जाती है। चूल्हा जला लिया, अब ये है कि जैसे जैसे इस हादसा पकते जाएंगे तो मैं उतार लूंगी यहाँ पर। अब मैं बर्तन धो लेती हूँ और साथ साथ ये रेडी हो जाएंगे। A few moments later. टाइम 2:30 बजने वाले हैं और मेरा अभी तक खाना भी नहीं बना, आटा गूंदना, रोटी बनानी और बच्चों का आने का टाइम हो चुका है। समझ ही नहीं आई मुझे सारा दिन कामों की, काम खत्म ही नहीं हुआ और बच्चों का टाइम हो गया और मैं आटा भी नहीं गूंद सकी। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि काम ही नहीं खत्म होते, या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम है। बस ये कि मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, ना मैंने व्लॉग बनाया है, ना मैंने खाने का कुछ कर पाई हूँ, टाइम मेरा ऐसे गुजरा है। बस ये कि कामों की समझ ही नहीं आती। बच्चे आ गए हैं, उन्हें मैं दूँ चाबियाँ। कैच पकड़ना, पहले भी टूट गई है चाबी, कैच पकड़ना। ये ओ गिर गई ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपकी पीटी थी? हाँ जी बोले। हमारी इतवार से मेरी साइकिल उल्टी होकर पड़ी हुई है। तो उसको आपने उल्टा किया, आपने ही सीधा करना है। 2000 years later. मैं अम्मी के घर आ गई थी और आते ही बच्चे ट्यूशन गए, मैं वॉक करने चली गई। अभी अभी वॉक करके भी आई हूँ तो आगे ये आ चुके थे और इन्हें भी मैं पानी दे रही थी। हाँ जी, बन गया आपके आलू बैंगन फरमाइश पे। हाँ जी, हमने भुजिया बनाई है जो फ्राई उस पर चूल्हे पे आग पे जला के नहीं बनाते, छिलका उतार के वो बनाया। भुजिया, भुरता, नहीं भुजिया, भुरता सब होता है। भुरता बोलते हैं, भुरता क्या बोलते हैं, भुरता, भरता नहीं, भुजिया, भरता, पता नहीं क्या क्या चार छः नाम है उसके, भुरता, जिसका जो दिल चाहे बोल लो। अभी ग्लास पानी पीऊँ क्योंकि अभी बहुत लंबी वॉक करके आ रही हूँ और अब हम पियेंगे पूरा भर के ग्लास पानी। और जब वॉक करके आओ ना तो जिससे मैं हल्का हल्का सा लगता है कि मुझे तो आदत होगी, वॉक के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। चाय मैंने यहाँ बनने रख दी है और अब्बू ने कहा बिलाल के लिए हलवा गर्म कर लो, तो पहले मैंने हलवा पका देती हूँ ताकि खा लें और चाय भी साथ साथ आ जाएगी। ये लें, इतने मज़े की खुशबू आ रही है। A few moments later. जी तो बस अभी अभी हम लोग आए हैं बाहर से, बच्चों की जीन्स की पेंटें जो हैं वो लेनी थी तो वो ली हैं
और बस अभी अभी आई हूँ, तो इनसे मैं कह रही थी, कह रहे थे बैंगन के साथ चावल, फिर मैंने इन्हें ऑफर दी कि बैंगन के साथ आप पराठा खाएंगे या चावल, तो कहते हैं पराठा खा लूँगा बैंगन के साथ। तो अब मुझे बनाने हैं बैंगन के साथ पराठे, और साथ लेकर आ रहे हैं ये हरा पुदीना, धनिया और दही, चटनी, हाँ नहीं रायता, रायता दही भी, दही भी, ठीक है, पराठे के साथ बहुत मजा आएगा। सालन आज दिन में बहुत मजे का बना था, बैंगन का भरता हम लोगों ने लीमू यूं निचोड़ के आप ज्यादा नहीं वो कर रहे हैं एंजॉय खाने को, लीमू निचोड़ के खाने को ना एंजॉय करके खाना चाहिए। ओहो, अच्छा एक बात बताएं, आपने कुछ ऑर्डर दिया हुआ था? आया, मुझे पता नहीं था। नहीं 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 दिया आपने ऑर्डर, फिर वो किसका है? मैंने पैसे दे दी, मैंने कहा शायद आपने कुछ मंगवाया होगा, मैंने खोला नहीं, मैं चली गई, मुझे देर हो रही थी, मैं जल्दी से अम्बी की चली गई। ये पकड़िए, बल्कि मैं लाती हूँ, हंस रहे किस, क्या सच बताया आपने मंगाया नहीं? हाँ मंगाया था ना, पता चले मेरे साथ मजाक हो जाए, पता नहीं किसका मैंने पकड़ लिया, हालांकि एड्रेस तो हमारा ही था, नंबर आपका था। बैग मैंने उतारे नहीं, बातें करने लगी हूँ, पार्सल मेरा अंदर रखा था, मैं लेकर आई, आपको दिखाती हूँ, फिर देख लें जी। तो इन्होंने मेरे ख्याल से कोई जूते अपने मंगवाए हैं और उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। शुक्र है आपने भी कोई जूता लिया, वरना मैं आपको वहाँ पे बाज़ार से भी कह रही थी कि जूता वूता ले लो कोई। और अरे दिखाओ तो सही, इतना सस्पेंस क्यों रख रहे, दिखाएं तो सही, दिखाएं तो सही, मैं दिखाता हूँ, मेरे पसंद के जूते हैं। आपकी पसंद है, अच्छा दिखाएं, सबर तो कर जाओ, दिखा रहा हूँ, बिल्ली निकलेगी, चूहा निकलेगा। ओ ये कलर मैंने अपने लिए पसंद किए हैं। ये जूता आपने कब ऑर्डर दिया? देख लो, मेरे अभी तो वो वाला मंगवाया था मैंने, देख लो अभी मैंने वो पहना भी नहीं है, यकीन जाने मैंने कहा मैं कहीं अच्छी जगह से जाऊंगी तो भी स्टार्ट लूंगी वो जूता पहनूंगी, मैंने पिंक वाला पहना भी नहीं है। तुम दिखा दे, दिखा दे, कहा था ना तुम्हें पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है ना, तुमने कहा था ना कि मैं दिखाया था, दिखा रही थी, कहा था ये पसंद है मुझे जूते, हाँ पर इसमें तो साइज ही नहीं था, बस अब ये 38 मंगा दिया मैंने, साइज 39 है मेरा, तो बस अब 38 जो था मैंने मंगा दिया, मेरा 39 है साइज, पहन लेना इसका, तो तुम्हारी पसंद का मैंने तुम्हें तोहफा दिया, तोहफे, थैंक यू। अच्छा ये थोड़ा सा पकड़िएगा पहन के देखूं, मुझे ना वैसे 39 आता है ना, छोटा छोटा लग रहा है या नहीं? नहीं लग रहा यार, सही है, एक पाँव मेरा मोटा है ना जिस वजह से 39 मंगवाती है, देखो इस पाँव में थोड़ी सी छोटी लग रही है और इस पाँव में पूरा लग रहा है। ये मंगाने का मकसद क्या है? ये मंगाने का मकसद ये है कि तुमने जो वो पहने हुए होते हैं ना लाल वाले शूज, तुम्हारे पैर में सूजन ना आए, हाँ वो मेरा जूता जो है ना लाल वाला, वो पतला तला है ना, तो जब पत्थर आ जाता है ना नीचे तो मेरे पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। अरे वैसे ये जूता मुझे इतना पसंद था, इतना पसंद था, ओ बहुत प्यारा लगा, थैंक यू। मुझे लगा आपने अपना मंगवाए हैं, क्योंकि आपके अपने जूता वो खत्म हुआ था, आपने बोला मैं मंगवाऊंगा, तो तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब मैं ऐसे करके बैठूंगी टांग पे टांग रखकर, ऐसे बहुत प्यारा लग रहा है। इब्राहिम के दोस्तों की आवाज़ें आ रही हैं, इब्राहिम लोकेशन से ही नहीं आए, और मुझे यहाँ के जूते इतने पसंद है, ये शू अपेयर और क्लाइव वालों के, ये दोनों एक ही हैं, मर्ज हैं, तो मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे कम्फर्ट जूता है इसका और सॉफ्ट नरम, ये वाली चीज़ भी जो है ना इसकी बहुत सॉफ्ट और नरम सी है, कि मुझे जो है ना इस कंपनी के जूते पसंद है, अगर आपने कैजुअल पहनने के और सॉफ्ट जूता लेना है। यहाँ मैं पराठा बना रही थी और ये मैंने अपने लिए रोटी बनाई है, बाकी ये सबके पराठे बना रही, यहाँ पर ये चटनी बनाने लगे, तो ये देखें इसलिए मैं कहती हूँ ये चटनी ना बनाया करें, मैं खुद बनाऊँगी। मैंने पता है क्या कहा था, मैं ये बनाकर एंड में चटनी बनाऊँगी, बट आप उठ के आए और माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो पराठे रेडी हो चुके हैं, सालन मैंने निकाल लिया था, और ये देखें भाई मज़ेदार लच्छेदार पराठा, ये देख रहे हैं ये ऊपर वाला, तो आप ही लीजिएगा, ये बहुत मज़े का बना है, और ये बच्चों का इसको दे दीजिएगा, कड़क पराठा खाएंगे, ये पकड़ो, मैंने अपने लिए नहीं पराठा बनाया, मैं भी बारी बारी चीज़ें पकड़ा रही हूँ, चकरा रही हूँ, साथ में ये रायता मिस्टर बिलाल के हाथ का। यहीं से व्लॉग को एंड कर रही हूँ, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।